नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है जहां पर बीजेपी का राज्यसभा चुनाव जीतना तय है। जी हां, राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। आज नामांकन जमा करने का अंतिम दिन था। बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। अब छत्तीसगढ़ की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ, किसी भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है, और यही वजह है कि बीजेपी के राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी का जीतना, मतलब देवेंद्र प्रताप सिंह का जीतना तय है। निर्विरोध, बिना किसी विरोध के देवेंद्र प्रताप सिंह का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि आज नामांकन जमा करने का आखिरी तारीख थी। देवेंद्र प्रताप सिंह का नॉमिनेशन हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए नहीं आया, मतलब कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया राज्यसभा चुनाव के लिए। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रत्याशी नहीं है, मतलब मैदान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी देवेंद्र, जिनका राज्यसभा में जाना लगभग तय है। जी बिल्कुल, देखिए देश भर के 15 राज्यों में 56 लोकसभा विधान राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव हो रहे हैं, और आज अंतिम दिन था नामांकन दाखिल करने के लिए। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीटों पर मतदान होना है, ऐसे में नामांकन बीजेपी की तरफ से देवेंद्र प्रताप सिंह का जो है भर दिया गया है। आज उन्होंने नामांकन की जो दूसरी प्रक्रिया है वो पूरी की, लेकिन अंतिम दिन होने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके से कोई प्रत्याशी उतारा नहीं गया है। ऐसे में सीधे देखा जा सकता है कि भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध यहां से राज्यसभा के लिए सीधे तौर पर चुने जा सकते हैं। जी बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आइए अब देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज।